बुलंदशहर से रिशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। टावरों से बैटरी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 06 शातिर सदस्य गिरफ्तार। बुलंदशहर में टावरों से बैटरी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 06 शातिर सदस्य गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 14 बैटरी और अर्टिगा कार बरामद। तकनीशियन बनकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अंतर्राज्यीय गिरोह के शातिर सदस्य। बुलंदशहर की खननपुर पुलिस और स्वॉट टीम को मिली सफलता। खानपुर थाना क्षेत्र में एक बैटरी टावर था, उस टावर की बैटरी चोरी हो गई थी। उस संदर्भ में मैसूरी की टीम और खानपुर के थाने की टीम लगी हुई थी। इन लोगों को इनपुट मिला था, उसके आधार पर इन लोगों ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए ले आए। उनसे पूछताछ से जानकारी हुई कि एक आदमी प्रशांत नामक आदमी है, जो कि टावर कंपनी में ही काम करता है, और उसका एक सहयोगी है संजीव, वह भी टावर कंपनी में पहले काम करता था। इसके साथ इन दोनों ने मिल करके जहाँ पर अलार्म सिस्टम नहीं होता था, इनकी बैटरियों में अलार्म सिस्टम लगा होता था, जहाँ पर अलार्म सिस्टम नहीं होता था वहाँ की सूचना देते थे। और एक कबाड़ी और प्लस उसके साथ 3-4 लड़के और थे, ये लोग मिल करके जाकर घटना को अंजाम देते थे। अब तक जो इन्होंने स्वीकार किया है उसमें मेरठ में घटना करना स्वीकार किया है, हापुड़ में घटना करना स्वीकार किया है, मुजफ्फरनगर में घटना करना स्वीकार किया है, और हमारे यहाँ खानपुर घटना स्वीकार किया, उलावटी घटना स्वीकार किया है। इस प्रकार से एक शातिर गैंग था, जो कि सूचना कंपनी वालों के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर घटना करते थे और उसको ले जा करके दिल्ली में जो कबाड़ी मार्केट थी वहां पर इसको बेच देते थे। कितनी लगभग बैटरी जो बरामद की गई है? देखिए, जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे वो गाड़ी बरामद की गई है, और प्लस बैटरियां जो इनके पास शेष रह गई, जो इसको बेचने का प्रयास कर रहे थे, उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभी उसको देखा जा रहा है, इनका अपराधी इतिहास चेक किया जा रहा है। अगर कोई अपराधी इतिहास होगा तो उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और अभी मैदानी कार्रवाई कर रहे हैं।